मैं श्रुति और आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया और आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। हरदोई सुरसा थाना क्षेत्र के महुरा कला गांव में जानवरों को घायल करने वाली एयर गन से मासूम बच्चा हुआ घायल। मासूम बच्चे को कराया गया कटियारी नर्सिंग होम में भर्ती। इलाज के दौरान दूसरे दिन हुई बच्चे की मौत। श्री राम जिसकी जानवर वाली एयर गन थी गन को छोड़कर कहीं गया था, जिसको पप्पू निवासी महुरा कला ने उठा लिया और वहाँ खेल रहे बाबू के ऊपर गन चला दी। सुरसा पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। चार बजे हमारी अतिर बैठी रही। हाँ, ये है ठमा बैठी रही। साढ़े 4 बजे या हरदोई में ही सरकारी भूमि पर कब्जा चाहिए तो नानकगंज ग्रंट आई है, क्योंकि यहाँ सरकारी भूमि की बिक्री कर कब्जा दिलाने का कार्य बड़ी जोरों से चल रहा है। प्रधानपति सरकार व आला अधिकारियों की आंखों में धूल छोड़कर बड़े भू माफिया की लिस्ट में नंबर 1 का स्थान प्राप्त करने का जतन हो रहा है। अब देखना है कि आला अधिकारी कोई ठोस कदम उठाएंगे कि ऐसे ही सरकारी भूमि की बिक्री का काम लगातार तेजी से चलता रहेगा। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। जिनकी उम्र है 16 वर्ष, पिता का नाम है मनोज शुक्ला, पता FN यादव निकट फ्रेजर स्कूल लाइन बाजार जौनपुर, थाना लाइन बाजार जौनपुर। इनका हुलिया कोरे रंग का, लंबा चेहरा, बीच का एक दांत थोड़ा टूटा हुआ है, नाक कान औसतन है। इनकी लंबाई 5'6" है। इनका पहनावा सूट सलवार व चप्पल है। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। मिर्जापुर में राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री शेषधर पांडे द्वारा अखिल विश्व ब्राह्मण हिंदुत्व शक्ति मोर्चा की प्रथम बैठक किशन प्रसाद की गली में रामा देवी स्कूल में संपन्न हुई, जिसमें पदाधिकारी मनोनीत हुए, जिसमें बहुत से ब्राह्मण लोगों ने भाग लिया। आइए देखते हैं। सब लोगों से हमारी निवेदन है कि आप ब्राह्मण लोगों के बारे में सोचे जिनका ये समस्या बहुत जटिल है और संगठन में शक्ति तो होता है, आज आप अकेले यहाँ नहीं पढ़ पाते। एक संगठन का बैनर मिला ब्राह्मण समाज के नेतृत्व में शेषधर पांडे जी के द्वारा। हम आप सब लोगों के बीच में खड़े हैं तो निश्चित है कि एक एक बंदे के पास इतनी ताकत और शक्ति है कि अगर सारी शक्ति को मिला दिया जाए ना तो महाशक्ति बन जाएगी। इलाहाबाद ब्लॉक बहादुर क्षेत्र के सह मोहम्मदपुर गाँव में पानी के लिए तरस रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि 5 हैंडपंप है और सारे खराब है। हम लोग 1 किलोमीटर दूरी से पानी लाते हैं। पत्रकार ने जब प्रधानपति से पूछा तो उन्होंने कहा कि ब्लॉक बहादुर में BDO से हमने शिकायत किया है तो BDO ने कहा है कि अपने पास से बनवा लो। छात्र साइकिल से पानी लाने के लिए स्कूल नहीं जा रहे। मीडिया से बात करते प्रधानपति राजेंद्र प्रसाद यादव। ब्लॉक गए अपने खाता से रिपोर्ट कराइए। कौन? BDO साहब ने। अच्छा, वो हम मेरे खाता में पैसा नहीं है। हाँ। मैं फिलहाल कितने लोग को रिपोर्ट कराए। अच्छा अच्छा, एक नल हो, दो नल हो, चलिए करा देते हैं। पूरे ग्राम सभा की बात है, पूरे ग्राम सभा में स्टेट आ भगा जा रहा है तो क्या करें हम। अच्छा अच्छा, यही दिक्कत। खबरों का सिलसिला आगे भी ऐसे ही जारी रहेगा, लेकिन आप बने रहिए फास्ट न्यूज इंडिया के साथ। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।